बेनकाब। 26/11 मुंबई हमले में पाक सेना और आईएसआई के रोल का पर्दाफाश। हाफिज सईद से मिलता था निर्देश, दोबारा डॉजियार सौंप सकता है भारत। सियाचिन में चमत्कार, राहत और बचाव अभियान को एक हफ्ते बाद मिला जीवित जवान। 3 फरवरी को मद्रास रेजिमेंट की टुकड़ी 20,000 फीट की ऊंचाई बर्फीले तूफान का हुई थी शिकार। दिल्ली नगर कर्मचारियों की हड़ताल पर सस्पेंस, सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कुछ कर्मचारी यूनियनों ने शर्तों पर हड़ताल वापस लेने को तैयार। सीबीआई करेगी दिव्यांश की मौत की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, दिव्यांश के साथ नहीं हुआ था दुष्कर्म, पानी में टैंकी में डूबने से हुई थी मौत। शामली फायरिंग मामले में सीएम अखिलेश सख्त, आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया आदेश, ब्लॉक प्रमुख को पार्टी से निकाला, 10 आरोपियों पर केस दर्ज, 3 लोग हिरासत में। और लाइव इंडिया पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का ऐलान, गौ माता ब्रिगेड के आंदोलन में देंगे साथ, महिलाओं के लिए अलग अखाड़ा भी बनाएंगे। स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हां, आज जो है विषय बेहद ही खास हम आपके लिए लेकर आए हैं। नए दिन की शुरुआत और नए दिन में हम हर अक्सर कोशिश करते हैं कि आपके लाभ की कुछ बात आप तक पहुंचा ही दें। आचार्य जी, बात करें कि घरों की, तो घर में जरूरतें बढ़ती चली आती हैं, और जब जरूरतें बढ़ती हैं और सैलरी ना बढ़े तो कहीं ना कहीं जो घर का मुखिया होता है, जो घर का घर की हर जिम्मेदारी को उठा रहा होता है, अगर सैलरी ना बढ़ रही हो तो धन का अर्जन, धन को जो है लेने की कोशिश करता है, यानी कर्ज के रूप में, उधार के रूप में दूसरों से मदद भी लेता है। क्या वजह हो जाती है कि कर्ज ले तो लिया लेकिन जब वापस करने की बारी आती है, यानी कि कर्ज देना पड़ जाए वापस उधार का पैसा, तो उतार नहीं पाते, और क्यों कर्ज बढ़ता ही चला जाता है, इसके पीछे की वजह क्या होती है? देखिए, दो चीजें हैं। आपकी आवश्यकताएं जब बढ़ती हैं, एक तो यह है, या जब मजबूरी में आप पड़ते हैं, कुछ आवश्यकताएं, कुछ अनिवार्यताएं बिना बताए अचानक आती हैं, जैसे अचानक से आपके बच्चे का कहीं बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन हुआ, उसकी शिक्षा के लिए आपको कुछ ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ गई, भगवती ना करें किसी के लिए घर में बीमारी आ जाए, तो वहां पर भी कर्ज लेने की स्थिति आ जाती है। चलिए, कर्ज लेना देना बात समझ में आती है, लेकिन कर्ज को ना उतार पाना यह बात समझ से परे हो जाती है कि आखिर क्या वजह है कि छोटी सी भी रकम आप सालों दर साल इंतजार करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोगों को भी हमने देखा कि वो सक्षम हैं, कर्ज देने की स्थिति में हैं, फिर भी देने की नियत नहीं रहती है। अब यहां कौन सा ग्रह आ गया भैया कि आपके पास पैसा है लेकिन फिर भी आपके दरवाजे पे कर्जदार जब तक ना आए तब तक आपको रोटी हजम नहीं होती। अब इस रहस्य से भी आज हम पर्दा उठाएंगे। एक कर्ज की रेखा भी आपकी दाहिनी हथेली में कहीं गुपचुप तरीके से बैठी है। कहां है वो रेखा? पहचानना चाहते हैं तो हाथ बहुत स्वच्छ रखें, साफ रखें, उस रेखा का भी दर्शन हम कराएंगे। कुंडली के कुछ योग भी बताएंगे कि कुछ योग ऐसे होते हैं कि मृत्यु शैया तक आप कर्जदार रहेंगे, या कई दफा कुछ योग ऐसे हैं कि आपका कर्ज आपकी संतति उतारेगी, मतलब आप मर जाए उसके बाद आपके बच्चे आपके आपने जो कर्ज लिया था उसका भरपाई करें। ऐसी स्थितियां जन्मांक में, जन्म कुंडली में ग्रहों के द्वारा सांकेतिक रूप से प्राप्त हो जाती हैं।
सब जानकारी मिलेगा। अच्छा, जानकारी ही नहीं देंगे, 3 महा उपाय भी बताएंगे, जिससे अब आगे आप कर्जदार ना रहें, आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बाकी ना रहे। जी हाँ, और साथ ही साथ अगर आपके घर में बड़े भाई से आपकी नहीं बन पाती है तो किचन पिटारा जो है अब आपकी मदद करेगा। भाई के साथ आपका प्यार बढ़ने वाला है, लेकिन क्या है प्रयोग ये हम आपको आगे बताएंगे। और इसके अलावा लकी अक्षर मेरे पास ही है और बाद में तो आचार्य जी के हाथ में होता है और फिर आप तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। और ये चमत्कारी लकी अक्षर भी हम आपको बस थोड़ी ही देर बाद देने वाले हैं, पर उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। ये एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है। किसी भी खास काम के लिए अपने घर से आप जाएं तो घर का हर सदस्य अपने साथ जरूर रखे रक्षा कवच, क्योंकि ये 24 घंटे आपको सुरक्षित रखता है। चलिए, आज के दिन यात्रा के पहले जो आप अपने लिए कवच लेंगे वो ये रहा, गुड़ और सिंदूर का टीका अपने दाहिने बाजू में लगाकर फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। यह आज के निमित्त है, आज जब आप निकल रहे हैं अब उससे पहले इसे कर लीजिएगा, और कल जब आप निकले तो क्या करें, ये स्थिति अगर है तो लीजिए। कल के लिए बताते हैं, उल्टे पांव पर 3 बार पानी गिराना है। एक बार गिराइए 2-4-10 बूंद, फिर और फिर, इस तरह से 3 बार उल्टे पांव पे पानी गिराकर उसके बाद जब आप प्रस्थान, देखिए यहां पर शनि बृहस्पति को हम चंद्रमा से स्वच्छ कर रहे हैं, अर्थात इस छोटे से रक्षा कवच का बड़ा लाभ इसीलिए मिलेगा क्योंकि ग्रहों को हम इससे बैलेंस कर लेंगे। जी हाँ, और अब बारी आ गई है सक्सेस की। जी, तो ये कैसी की है जो आपको सक्सेस दिलवाती है हर तरह के इम्तिहान में, प्रतियोगिता में, साक्षात्कार में, तो जब भी जाएं तो लेकर जरूर चलें सक्सेस की। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या फिर पढ़ा हुआ भूल जाता है एग्जामिनेशन हॉल में जाकर, तो उसके लिए माता पिता अपने बच्चों के निमित्त ये खास प्रयोग करें और बच्चों को पढ़ने दें। एक कटोरी में चने के 7 दाने, ये सक्सेस की आज का है। एक चुटकी सिंदूर और बच्चे के सर से 3 बार मात्र वार लीजिएगा। जब हम वारते हैं तो नकारात्मकताओं को हम ब्रेक करते हैं, काट देते हैं। पूजा स्थान पर ले जाकर के कपूर से जला दीजिए 7 दानों को और फिर घर से बाहर ले जाकर के फेंक दीजिए। अब बच्चा आपका एग्जाम देने जा सकता है। और कल के दिन एक काला धागा लेकर के उसमें 3 गांठ लगाना है। अब ये रहा कल का आपके सामने, इसको नोट कर लीजिएगा। तुलसी की एक पत्ती मसल के उसका रस टपकाइए, सामने रखकर 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए और इस धागे को बच्चे के उल्टे हाथ में कलाई में यहां पर बांध दीजिएगा। अब इसके बाद परीक्षा देने के लिए बच्चे को भेज दीजिए। शाम को जब बच्चा वापस आए तो इस धागे को खोल करके किसी पेड़ आदि के नीचे डाल सकते हैं। जी हाँ, आगे हम आपको बताएंगे कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से आपके सिर पर कर्ज चढ़ जाता है, और ना केवल कर्ज चढ़ता है बल्कि कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। ये कौन से ग्रह हैं ऐसा करवाते हैं ये हम आपको बताएंगे आगे, पर उदय जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से। स्वागत है उदय जी आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। कंचन मैडम नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, प्रणाम। श्री राधे भैया। पंडित जी आप इतना अच्छा से बताते हैं सब कुछ कॉन्फिडेंट होकर, बहुत ही अच्छा लगता है। आपके बताए उपाय को मेरी पत्नी जो है वो कागज में एक नोट करते जाती है। सही बात है, बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया। बेटी जो है बार बार बोलती है कि पंडित जी से मेरे बारे में पूछिए कुछ। चले पूछ लीजिए, अब आज फोन लग गया है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1996 जी, शाम के 6:10 पर, और प्लेस है रांची। क्या प्रश्न है गुड़िया के लिए? प्रश्न है मैं पंडित जी की बीजे LLB का कोर्स करना चाह रही है जो 5 साल का होता है, तो उसमें ये सफल हो पाएगी कि नहीं, और मतलब आगे भविष्य कैसा रहेगा, इंजीनियरिंग करना अच्छा रहेगा या LLB ही करना अच्छा रहेगा? बिल्कुल, देखिए कुंडली इसकी उदय जी बहुत अच्छी है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि सद्भिषा नक्षत्र सोमवार का जन्म है गुड़िया का, मिथुन लग्न है। 7वें घर में सूर्य बृहस्पति और बुध 3-3 ग्रहों की उपस्थिति है, जहां सूर्य और बृहस्पति अद्भुत है। बृहस्पति के द्वारा हंस नामक महायोग बन रहा है
और सूर्य भी अपने से पंचम में बैठा है। कोई भी ग्रह अपने से पंचम अपनी शक्तियों को बढ़ाता है और मित्र के साथ बैठा है और लग्नेश बुध साथ में है। शत प्रतिशत आप इसको एलएलबी करवाइए। वाणी के द्वारा ये इसके जीवन में आजीविका चलेगी, अर्थात लॉ करने के बाद अगर ठाकुर जी की कृपा रही और आपने इसको माहौल अच्छा दिया तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट जज बन जाए। जुडिशरी की तैयारी भी इसके लिए अनिवार्य है। शुभ रहेगा, करवाइएगा। मांसाहार से बिल्कुल तौबा कर लीजिएगा पूरा परिवार, और साथ ही साथ हर शनिवार के दिन कुछ वस्त्र का दान इनके हाथों से करवा दें। छोटे मोटे कपड़े जैसे रुमाल आदि का भी दान करवा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। जी हाँ, और आइए अब अपने विषय पर आएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कर्ज के बारे में, क्यों कर्जदार हो जाता है कोई शख्स। और ऐसे में अगर आप अपने घर के मुखिया हैं, घर की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है और इन्हीं कंधों पर अब कर्ज का बोझ भी चढ़ गया है, यानी अपने आप को बहुत ही दबा हुआ महसूस कर रहे हैं आप, जिंदगी से सुकून ही छिन चुका है क्योंकि हर पल आपको यह एहसास होता है कि आपके सिर पर एक कर्ज का बोझ है और इसे कैसे आप उतारेंगे, हर पल इसी टेंशन में आपकी जिंदगी बिता रहे हैं आप। आचार्य जी जानना चाहेंगे आखिर कुंडली में वो कौन से ग्रह होते हैं, ये क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से कर्ज चढ़ जाता है, और न केवल कर्ज का चढ़ना बल्कि वो बढ़ता ही चला जाता है, क्यों ऐसा होता है। देखिए कुंडली के अनुसार अगर हम विचार किया जाए तो यकीनन इसमें दो राय नहीं कि पूर्व जन्म का कुछ कर्म तो रहता ही है जो फल के रूप में हमको जन्मांक में ग्रहों की दृष्टि के साथ ज्ञात होता है। ये वजह नहीं है, जानकारी दे रहे हैं। ग्रह कहां वजह बनेंगे भाई, ग्रह संकेत देते हैं। वजह तो आपके पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे। लोग कहते हैं इस ग्रह के कारण ये हुआ है, शब्दों का हेर फेर है बहुत बारीक सा और हम शब्द में ही जीते हैं, शब्द ब्रह्म होते हैं। तो ग्रहों से संकेत मिलता है ना कि ग्रह रीजन बनते हैं। यदि द्वितीय भाव में राहु है तो संकेत ये मिल रहा है कि आपके ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ा रहेगा, बोझ आप पर हावी रहेगा यदि ऐसी स्थिति बनती है। एकादश भाव का स्वामी, लाभ स्थान का स्वामी छठे में चला जाए तो आप कर्ज लेकर के लाभ महसूस करेंगे। आपने मित्र से 10,000 रुपया ले लिया, अब आपको बिल्कुल छाती चौड़ी, कह रहे वाह आज 10,000 की कमाई हुई, मतलब कर्ज को कमाई के रूप में देखेंगे। कब? अगर एकादश का स्वामी सिक्स हाउस में बैठ जाए। सोचो आप, यह भी धारणा होती है, एक रुपया भी कोई विचार होता है कि एक रुपये भी किसी का ले लिया है तो बोझ सा लगता है, और कोई लोग उसको कमाई मानते हैं कि हम किसी से उधार लें तो कमाई है। यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में है, ज्योतिष शास्त्र इसको बड़ा अच्छा सा योग मानता है, केंद्र का स्वामी केंद्र में आया, प्रसिद्धि भाव में आया, लेकिन हमने इसको कर्ज की दृष्टि से अगर देखा है तो शुभ हम नहीं पाए हैं। संकेत बहुत बुरा है, यह संकेत आपको कर्जदार बना ही देगा, आप पर बोझ जरूर रहेगा। यदि छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, यह बहुत खतरनाक है। ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्चे की शिक्षा के लिए, उसके नौकरी के लिए कहीं सुविधा शुल्क देना हो इसलिए आप कर्ज जबरदस्त लेते हैं और फिर घर द्वार तक बिक जाता है लेकिन आप कर्ज चुका नहीं पाते हैं। यदि छठे भाव का स्वामी पंचम में हो और यदि पंचमेश ही नीच का बैठ जाए, यह बहुत बुरा योग है, बेहद बुरा योग है। पंचमेश नीच का होने पर व्यक्ति मृत्यु सैया तक कर्ज के बोझ के तले दबा रहता है। इसका कोई विकल्प नहीं, इसका कोई हल नहीं, लेकिन आज बहुत कुछ हल निकलेगा। यदि अष्टम भाव में एकादशेश या द्वितीयेश हो, ये सारी स्थितियां अगर हैं किसी की कुंडली में या इनमें से एक दो भी मिल जाता है तो वह कर्ज बहुत तेजी से अपने ऊपर लादेगा, अपने हाथों से करेगा और उसके बाद कर्ज के बोझ के तले दब करके मुश्किलों को पैदा करेगा। लेकिन आज तीन उपाय हम आपको बताएंगे। दिन है मंगलवार और यह बजरंगबली का दिन है, मंगल ही कर्ज के कारक के रूप में माने जाते हैं। उपाय आगे हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ एक रेखा भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। जी हाँ, तो कर्ज से मुक्ति का जो निवारण उपाय आपको जो मिलेगा वो भी आज ही मंगलवार के दिन ही मिलेगा। फिलहाल वक्त है यहाँ पर ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। अक्सर हम अपने घर में पालतू जानवर पालते हैं लेकिन क्या आपको पता है इनको भी घर में एक सही दिशा में ही स्थान देना चाहिए, तभी ऐसा करने से आपके ग्रह भी मजबूत होते हैं। बहुत ही अहम जानकारी दोपहर 2:30 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1,000 रकम का DD किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जनसेवा बैंक के सामने, न्यू DP रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे, 411028, ईमेल kisancoop@gmail.com। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज विषय बेहद ही खास हम लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे वो खास महाप्रयोग जिन्हें अपनाने के बाद आपके जीवन का एक सबसे बड़ा मर्ज, एक सबसे बड़ा जो बोझ है कर्ज का, इससे आप मुक्ति पा जाएंगे। आप सबकी बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं हमारे शो के साथ और हर दिन आप एक आस से जुड़े होते हैं, एक आस लेकर बैठे होते हैं कि आज तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा जो आपके लिए खास होगा। वैसे आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनके सिर पर कर्ज चढ़ा हुआ है। आचार्य जी, ब्रेक से पहले आपने वो दिशाएं, वो कारण बताए जो पिछले जन्म के कर्म थे या फिर कुंडली में वो कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से कर्ज का बोझ चढ़ता है, लेकिन अब हम चाहेंगे कर्ज उतरता चला जाए। तो आप पहला महा उपाय बताएं जो कि इनके लिए मदद करे। बिल्कुल, देखिए पहले उपाय के तौर पर आप मंगल के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। कर्ज की स्थिति में जो ग्रह हमने बताया, जो योग बताया, कुंडली के कुछ भाव के स्वामी कहाँ बैठ करके आपके ऊपर कर्ज का बोझ देते हैं, आप कर्ज को बहुत हैप्पली एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात आप सोच के ताज्जुब करेंगे, जिसके जन्मांक में इस तरह के लक्षण होते हैं, जिस तरह के योग होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत आसानी से कर्ज पाते हैं। हमारे पास तमाम ऐसे केसेस आए हैं जहां पर व्यक्ति को उनके मित्र खुद आगे कहते हैं, यार लिखो मेरे पास ये 2-4 लाख रुपए पड़े थे, आप अपने पास रख लो, यूज करना, जब हमें जरूरत होगी ले लेंगे। और भैया अब आप जब यूज कर लिए तो उसके बाद जब उन्होंने मांगा तो आपके पास है ही नहीं, आपने उसको खर्च कर लिया है। ऐसी स्थिति ग्रह पैदा कर देते हैं, अब नहीं पैदा होना चाहिए। उपाय देखिएगा, अगर पैदा हुई है स्थिति ये तो दूर भी हो जाएगी। एक मिट्टी का पात्र आपको लेना है, मिट्टी का बर्तन लेना है, मंगल ही मंगल जुड़ता जाएगा, 11 दाने काले मिर्च के उसके अंदर भर दीजिएगा, छोटा सा कोई कुल्हड़ वगैरह ले लीजिएगा, लाल रंग के कपड़े से उसका मुंह, मिट्टी के पात्र का जो मुख है ऊपर का, वह आप बंद कर दीजिए, बांध दीजिए, चारों तरफ कलावा 7 बार लपेटिएगा और बर्तन को 3 दिन के लिए अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दीजिएगा और चौथे दिन, 4th day, इस पात्र को लेकर एज इट इज श्मशान घाट पर जाकर रख दें। अंदर प्रवेश ना कर सके तो बाहर भी बाउंड्री वॉल के पास आप रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। वैसे ग्रामीण अंचलों में तो आप नदी के किनारे भी रख सकते हैं, जहां दाह संस्कार आदि की क्रियाएं होती हैं, उस जगह पर शनि राहु का प्रभाव होता है। उस जगह भेजने का उद्देश्य हमारा सिर्फ यह है कि श्मशान घाट, कब्रिस्तान के पास जहां दाह संस्कार आदि होते हैं, शनि और राहु दो ग्रहों का प्रभाव बहुत प्रबल होता है। तो जब हम इन दोनों ग्रहों को शुभ कर लेंगे तो कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे, तो आसानी से आप धनार्जन को बढ़ा पाएंगे और कर्ज से मुक्त होंगे। जी हाँ,
और बाकी भी जो महा उपाय हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे, और इन सबको अगर आप ना लेंगे तो यकीनन कर्ज आपका उतर ही जाएगा। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे हमारे आज के जो लकी कॉलर हैं उनसे, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। मैम मैं ज्योति बोल रही हूँ, स्नेहा बोल रही हूँ जबलपुर एमपी से। आपका नाम स्नेहा है या ज्योति? मैम स्नेहा। स्नेहा, स्नेहा बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम मेरी मम्मा आपका शो रोज देखती है और आप जो उपाय बताते हैं उनको अपनाती भी है। बहुत बड़ी फैन है आपके शो की। शुक्रिया। आचार्य जी की भी। भी आ गया हमारा भी। उपाय तो आप ही बताते हैं, तो ये आप ही के फैन। आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी। स्नेहा जी, मैम मुझे अपनी दीदी के बारे में पूछना है, बड़ी सिस्टर के बारे में। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर जी 1990 जी। समय? समय 4:10 PM। और प्लेस? और मैम बर्थ प्लेस जबलपुर MP जी। क्या सवाल है आपका इनके लिए स्नेहा? मैम मुझे ये पूछना है कि ये मांगलिक है या नहीं, और इनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक होगी, या फिर इनकी, क्योंकि बहुत सारे रुकावट आ रही है इनकी जॉब में। जी। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि इनकी शादी कब तक होगी और इनका खुद का मकान होगा कब तक। जी स्नेहा, देखिए आपकी बहन की कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि मघा नक्षत्र, रविवार का जन्म इनका है, मेष लग्न है इनकी कुंडली में और राशि इनकी सिंह है, तो मांगलिक ये नहीं है। द्वितीयस्थ मंगल है, लेकिन द्वितीयस्थ मंगल होने पर विधवा योग बनाता है। अब कब ये निर्भर करता है जन्मांक के बाकी योगों पर। तो द्वितीयस्थ मंगल के कारण कुछ ऐसे ही अपने बहन के लिए आप लोग दामाद ढूंढिएगा, अपने लिए आप जीजा ढूंढिएगा जिसके जन्मांक में दीर्घायु योग हो, जिसकी आयु बहुत स्ट्रांग हो, मजबूत हो, अन्यथा दोष बहुत प्रबल है। दूसरी बात, सरकारी नौकरी के लक्षण शून्य है, ना के बराबर है। माइनस नहीं कह रहा हूं, शून्य मतलब प्रयास कर सकती है लेकिन इस पर डिपेंडेंसी ठीक नहीं रहेगी। सूर्य इनके जन्मांक में नीचस्थ है, नीचस्थ सूर्य का उपाय करना होगा। रविवार का व्रत करें, नमक का कम से कम सेवन करें, बाल लंबे, नाखून बिल्कुल छोटे, मांसाहार से परहेज, और एक बरगद का पौधा गमले में अपने घर पर ये लगा लें और उसके नीचे एक दिया हर रोज जलाएं। बस इतना करें, जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी, बहुत प्यार से जिएंगी, धनार्जन अच्छा होगा, निश्चिंत रहें। जी हाँ, और बस आप सबके लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और ये देखिए बहन का प्यार है, बहन के लिए सवाल अपनी बहन के लिए पूछा स्नेहा जी ने। और ऐसे ही भाई भाई के बीच में प्यार बढ़ जाए, बड़े भाई से अगर बहन की नहीं बन पाती है या भाई की नहीं बन पा रही है तो ऐसा ना हो और उनके बीच में भी बहुत ही मधुरता प्यार बढ़ जाए, इसके लिए किचन पिटारा भी मदद करने वाला है। यही मदद करेगा किचन पिटारा, रसोई का एक सामान भाई भाई के लिए प्यार पैदा करेंगे। बिल्कुल। और अब हम एक मेल पर भी चर्चा करेंगे, आप भी मेल कर सकते हैं हमें। हमारी मेल आईडी आप नोट कीजिए, kal@liveindia.tv ये हमारे सुबह की शो की मेल आईडी है। और जिनकी मेल हमारे पास आई है इनका नाम है संतोष पाठक। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ है 20 जैन 86 8:20 AM बक्सर। इनका कहना है कि 2013 से ये काफी परेशान है नौकरी को लेकर के, अभी इनके पास नौकरी नहीं है, कब तक मिल सकती है, भविष्य में कुछ अच्छा हो इसके लिए भी उपाय बताएं। संतोष जी देखिए, तो कुंडली आपकी बड़ी अच्छी भैया, और नौकरी के निमित्त आपको थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दिशा जान लीजिए, आपकी कुंडली के अनुसार कुंभ लग्न आपका है तो आप पूरब और दक्षिण अग्निकोण की दिशा में बढ़िए। ऐसा शहर सेलेक्ट करिए, ऐसे किसी शहर में जहां पर आप दक्षिण पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर आपको नौकरी मिल जाएगी। और नौकरी आपको प्राइवेट सेक्टर के ही योग बन रहे हैं कुंडली में। बृहस्पति नीच राशि में बैठ जाए तो व्यक्ति को धन के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। राहु की दशा है आपकी 2025 तक, गौशाला में कुछ काला तिल और हरा चारा दान करके किसी गौ माता की आप 3 बार दक्षिणावर्त परिक्रमा करिए, और अगर रोज कर सकते हैं तो 11 दिन में आप इसका परिणाम दिख जाएगा। जी हाँ। और आइए बात कर लेते हैं राहु काल के बारे में, ये बहुत ही अशुभ समय होता है। नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का राहु काल। चलिए आज के दिन का राहु काल नोट कर लीजिए आप, दोपहर के बाद 3 बजे से लेकर के 4:30 तक, ये आ गया आपके सामने, इसको नोट कर लें आप। और कल का राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक, इसमें आपको शुभ काम नहीं करने चाहिए।
जी, और एक समय का तो हम सभी इंतजार करते हैं, ये बहुत ही अच्छा और शुभ समय होता है, यानी कि गुलिक काल। करने वाला समय बताते हैं हम आपको, जिसमें सब काम कर सकते हैं आप। 12 बजे से लेकर के 1:30 तक ये आज का रहेगा, जिसमें आप हर एक शुभ काम करें, काम आपके बनते रहेंगे। और कल का रहेगा 10:30 से लेकर के 12 बजे तक, इसमें भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम बात करेंगे आपके पड़ोसियों के साथ, आपके रिश्तों को लेकर के। अगर आए दिन आपकी जो है उनके साथ लड़ाई झगड़े होते हैं और आप चाहते हैं ऐसा ना हो, रिश्ते मधुर हो जाएं, तो इसके लिए दिए जाएंगे कुछ खास उपाय। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। दिमाग पालने का शौक है? Then Syntax Dose makes no sense. लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, then Syntax Dose, we make sense. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है, मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। शहर जो हर सपने को देता है उड़ान, लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान, यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल, जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग, ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। वो जवाब ऐसे थे कि जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का, कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। छह
26/11 मामले में दूसरे दिन भी आतंकी हेडली से हो रही है पूछताछ। हेडली ने मुंबई हमले में पाक सेना और आईएसआई के रोल का किया पर्दाफाश। दोबारा डॉजियार सौंप सकता है भारत। सियाचिन में चमत्कार, राहत और बचाव।